और मेरे सारे जाबाज सिपाही हो, सबको क्रांतिकारी जय भीम। मुझे खुशी हुई जब ध्वज का आरोहण करते हुए नारे लगे, मैंने सोचा लगता अब समता गान भूल गए, लेकिन जब सप्ताह गान हुआ तो मेरे सांस में सांस आई। साथियों, सबसे पहले हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सिपाही हैं, उसके बाद कुछ हो रहे हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते, मैं अच्छे से जानता हूँ कि हम किसी खेत में मजदूरी कर रहे होते। मंत्री बनना बहुत दूर की बात है, ग्राम का प्रधान नहीं बन सकते थे। इस बात को अच्छे से मैं समझता हूँ और समता सैनिक दल के अंदर एक सिपाही के तौर पर भर्ती होके जो कुछ सीखा उसमें सबसे पहली चीज़ थी अनुशासन। और अगर संगठन कमज़ोर हुआ है तो मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है समता सैनिक के अंदर अनुशासनहीनता ज़्यादा हुई है, अनुशासन में कमी आई है। और वो कमी आना, ये नुकसान केवल हमारे इन साथी सिपाहियों का नहीं हुआ, ये अनुशासनहीनता होने से हमारे इन सारे साथियों का नुकसान नहीं हुआ जिनकी पूरी जिंदगी समता सैनिक दल में गुजरी है। ये नुकसान पूरे देश का हुआ, पूरे समाज का हुआ, पूरे मिशनरी समाज का हुआ जो इस समता की लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्या हम आज भी अनुशासन पैदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम समाज के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं? आज जो हालात हैं, इस हालात में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, अच्छा एक और बात बोल दूं, मैं कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करूंगा, समता सैनिक दल से मन से कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन एक सिपाही होने के नाते दल का आज के हालात पे चर्चा करने की इजाजत आप सब देंगे मुझे? आज जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो, सारे संवैधानिक संस्थाओं को धीरे धीरे केंद्र की सरकार कुचल रही है। प्रजातंत्र आज खतरे में है। हालात इस तरह के हो गए हैं कि अगर दोबारा ये पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई, ऐसा लगता है कि बाबा साहेब के संविधान को हटा के मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था ये दोबारा कायम करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दोबारा गुलाम बनने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो कसम खाइए, हम समता सैनिक दल को मजबूत करेंगे, हम बाबा साहेब के आंदोलन को मजबूत करेंगे। क्योंकि अगर आंदोलन रहेगा तो हम रहेंगे, आंदोलन कमजोर होगा तो निस्संदेह दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ेंगे, और उसके पीछे कारण है, लॉजिक है। जब मैं देखता हूं आजादी के आंदोलन के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जब यह आजादी का आंदोलन चला, जो पूरे देश की सरकारें और केंद्र की सरकार जिस आजादी के आंदोलन की चर्चा करती है, जिसका नेतृत्व गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी, आजाद जी और सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उस आंदोलन को लड़ रहे थे, उस आजादी के आंदोलन में जो अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन था, क्या उस पूरे के पूरे आंदोलन में कहीं भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की आजादी की चर्चा हुई? बताइएगा, हुई या नहीं हुई? क्या उस पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं भी महिला की आजादी की बात हुई? इसे अगर हम अति पिछड़ों, दलितों, शोषितों और महिलाओं की संख्या को जोड़ लें, यह संख्या बैठती है लगभग 90%, तो क्या यह पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन केवल 10% लोगों के हाथ में अंग्रेजों से निकल के सत्ता आ जाए, क्या पूरा आजादी का आंदोलन इसी के लिए था? इसी के लिए था। लेकिन एक दूसरा आंदोलन साथ में पैरेलल चल रहा था। लेकिन दूसरे आंदोलन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन, 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन चला, इस आंदोलन में तमाम तरह के औजार और हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन साथ में दूसरा जो आजादी का आंदोलन, जो लगातार 4000 साल से हमारे देश की महिलाएं, दलित, अति पिछड़े, आदिवासी, ये जो सब लोग गुलाम थे, जिनकी संख्या लगभग 90% है, इस पूरे आजादी के आंदोलन में इस 90% की आजादी की बात नहीं है, इस पूरे आजादी के आंदोलन में इस 90% लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात नहीं है, लेकिन ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 4000 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन चलाया, अकेले चंद साथियों के साथ चलाया,
कोई तलवार नहीं चलाई, कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी का खून नहीं बहाया, लेकिन 4000 साल की गुलामी से आजादी देने का काम इस देश की 90% जनता को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। उसके बाद जो आज तरक्की दिखती है, जो खुशहाली दिखती है, जो आजादी के बाद बाबा साहेब के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से हम लोग संसद में भी पहुंचे, विधानसभाओं में भी पहुंचे, ग्राम प्रधान भी बने, हम IAS IPS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, ये सारा कुछ केवल और केवल बाबा साहेब के दिए हुए पढ़ने के अधिकार से और रिजर्वेशन की वजह से संभव हो पाया। लेकिन पिछले 30-35 सालों में हुआ क्या है? अब से 30-35 साल पहले इन लोगों के बीच में एक चर्चा शुरू हो गई मनुवादियों के बीच में, ये जो भोला भाला गूंगा बहरा समाज था, जो हजारों साल से गुलाम था, जो लगातार शोषण चुपचाप झेलता रहता था, जो 18-18 घंटे काम करने के बाद भी काम के बदले में पैसे नहीं मांगता था, आज ये समाज के लोग हमारे सामने बोलने लगे हैं, काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं, इनके पास कौन सी ताकत आ गई? जब इस पे उन्होंने चिंतन किया, उनको समझ में आ गया कि ये जो ताकत आई है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए शिक्षा के अधिकार की वजह से, मौलिक अधिकारों की वजह से और रिजर्वेशन की वजह से जो इनको नौकरियां मिली हैं, उससे जो इनके घर में थोड़ा पैसा आने लगा है, इससे इनका मनोबल बढ़ गया है, इसे पढ़ लिख के ये लोग अधिकार के बारे में जानने लगे हैं। तब उन्होंने सोचा कि भाई समाज को दोबारा गुलाम बनाना है, इसको गुलाम कैसे बनाएं, इस पर उन्होंने चिंतन शुरू किया। उनके ये बात समझ में आ गई कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो वन मैन वन वोट वन वोट वन वैल्यू, सभी लोगों को एक वोट का अधिकार, चूंकि जब संविधान सभा के अंदर इस पर चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिले, तो उसमें कुछ जो कुछ सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा वोट का अधिकार इनकम टैक्स पे करने वालों को मिलना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा वोट का अधिकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके खिलाफ खड़े हो गए, उन्होंने कहा वोट का अधिकार इस देश में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए और सबकी वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। जरा सोच के देखिए, अगर ये वोट का अधिकार हमारे समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ना दिलाया होता, तो क्या ये बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ के हमारी झोपड़ी पे आके खड़े हो जाते? क्या फिर अगर हमको ये वोट का अधिकार ना मिलता तो आज हमारी दुर्दशा क्या होती? क्या हम लोग इतनी तरक्की कर पाते? क्या आज हमारे मुद्दों पर संसद के अंदर कोई बहस करने वाला होता? सोच के देखिए। तो ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ सब कुछ, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ बोलने के लायक हो गए हैं, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े हैं, इस तरक्की के रास्ते को रोकने के लिए जब मनुवादियों ने चर्चा शुरू की अपने शिविर के अंदर थिंक टैंक ने, तो उनको समझ में आ गया कि भैया प्रजातंत्र के चलते, वोट की राजनीति के चलते अब इनका आरक्षण खत्म करना संभव नहीं है, अब इनका सरकार स्कूलों के अंदर पढ़ने पर रोक लगाना संभव नहीं है, तो उन्होंने इसका दूसरा रास्ता निकाल लिया। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर किया और पब्लिक स्कूल खोलने शुरू कर दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पब्लिक स्कूल खुलते चले गए। और आज हालात ये है, केवल पब्लिक स्कूल नहीं, दिल्ली से पूरे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकल जाओ, हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज प्राइवेट खुल गए, वहां एक साल की फीस कई कई लाख रुपया है। क्या हमारे समाज के बच्चे 1 लाख रुपए से ऊपर या 1 लाख रुपया फीस के रूप में दे पाएंगे? पब्लिक स्कूलों के अंदर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च, उसकी किताबों का खर्च, उसकी वर्दी का खर्च, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्च, सारा खर्च अगर जोड़ दें तो मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल के अंदर भी एक बच्चे की पढ़ाई पे 8,000 से 10,000 रुपए खर्चा होता है। होता है नहीं होता? हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे का मतलब हो गया 15,000 से 20,000 रुपया केवल बच्चों की पढ़ाई पे चाहिए, इलाज का खर्च अलग। लेकिन हमारे समाज के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास 15,000 रुपए भी महीने में उनके पूरे परिवार में इनकम नहीं होती, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या वो पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, वो पूरी तरीके से सरकारी स्कूलों पर, सरकारी कॉलेजों पर निर्भर हैं। लेकिन उन्होंने अपनी चाल चल दी, पब्लिक स्कूल एक के बाद एक खोल दिए, सरकारी स्कूलों को बिल्कुल तबाह कर दिया, और तो और उनका इससे भी पेट नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी। नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी को फेल मत करो, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास करते रहो, यानी उसको ऐसा बना दिया कि वो 8वीं पास करके चला जाता है, और वहां एक कानून बना दिया 9वीं में जो 2 बार फेल हो जाए उसको स्कूल से निकाल दो। ये बच्चे क्या बनेंगे?
जो हिंदी में बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना तक नहीं जानते, नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से ऐसे 8वीं तक पास हो जाते हैं, उसके बाद 9वीं में दो बार फेल होकर स्कूल से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इन बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? ना केंद्र की सरकार सोचती है, ना कोई राज्य सरकार सोचती है, कौन सोचेगा? इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ेगा, हमारा समाज ही लड़ सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ सकती। ये मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, सब राजनीतिक पार्टियां अपने वोट तक सीमित हैं, लेकिन जरूरत है सरकारी स्कूलों के सुधार पे करने की। सरकारी स्कूलों को सुधार कौन कर रहा है, पूरे देश के अंदर कौन सी सरकार कर रही है, वो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, फिर यहां ये शुरू हो जाएगा कि राजनीतिक बात शुरू कर दी। दूसरा, जो लोग हमारे सरकारी नौकरियों में धीरे धीरे आना शुरू हुए, जिससे थोड़ी बहुत तरक्की हुई, वो लोग सरकारी नौकरियों में आना बंद हो गए। कैसे हो गए? इन्होंने अब से 30-35 साल पहले धीरे धीरे करके सरकारी संस्थानों को बेचना शुरू कर दिया। और तो और, पिछले से पिछले पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल बैन कर दिया, आउटसोर्स शुरू कर दिया, ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। इस ठेकेदारी प्रथा के शुरू होने के बाद क्या इस ठेकेदारी प्रथा में रिजर्वेशन है? नहीं है ना। हमारे तो मेजोरिटी में लोग फोर्थ क्लास में भर्ती हुआ करते थे, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट इन्होंने बंद कर दिया साजिश के तहत। तो आज हमारे लोगों को नौकरियां मिलनी भी बंद हो गई है, और ठेकेदारी प्रथा के तहत केवल फोर्थ क्लास भर्ती नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर तक की पोस्ट पर ठेकेदारी प्रथा के तहत लोगों को भर्ती किया जा रहा है। यानी कि हमारे समाज के तरक्की के दो कारण थे, पहला शिक्षा और दूसरा सरकारी नौकरियां जो रिजर्वेशन से मिलती थी। इन्होंने हमारे समाज के आगे बढ़ने के रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं, और ऊपर से हम लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने में लगे हुए। उन्होंने 4000 साल पहले छोटी छोटी जातियों में बांटा था, आज अपनी मर्जी से जातियों में बटे हुए। तो चूंकि निशान जी आगे, मुझे लग रहा है इशारा है कि अब अपनी बात को खत्म करो, तो मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैंने एक नारा दिया है, मैंने एक नारा दिया है, उस नारे को लेकर पूरे देश में मैं जा रहा हूं। जो लोग साथ चलना चाहे चले, जो ना चलना चाहे ना चले, लेकिन इस आंदोलन को तो हमें लड़ना पड़ेगा। वो नारा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और अगर कोई पूछे क्या है तुम्हारी जाति, तो कहो मैं हूं अंबेडकरवादी। स्वीकार है सबको? मैं हूं अंबेडकरवादी। एक बार सब बोल दो, मैं हूं अंबेडकरवादी, मैं हूं अंबेडकरवादी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।